बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और जनाब, आज की जो हमारी रेसिपी है वो आप कह रहे हैं कि फैसलाबाद की बड़ी फेमस रेसिपी है और फैसलाबाद और बहुत सारी और सराउंडिंग की जगहों पर मिलती है, और जिसका नाम है, मतलब माश की दाल है लेकिन फ्राई अंडों के साथ ये मिलती है और बहुत ही अच्छी, डिफरेंट और यमी सी रेसिपी है। ये आज आपके साथ हम शेयर करेंगे, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि डेली बेसिस पे जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं घरों में तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या बनाया जाए। अब माश की दाल यूँ तो बहुत तरीक़ों से बनती है, लेकिन हर घर की एक अपना एक पैटर्न सेट होता है और वो उसी पे हमेशा दाल बन रही होती है। तो थोड़ी थोड़ी सी जो है चेंजेस जो अगर हम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि खाने में भी मज़ा आता है और आप कहने के थोड़ा चेंज भी हो जाता है। तो आज की जो रेसिपी है उसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले मैं वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, हमें चाहिए माश की दाल, जिसको मैंने थोड़ा सा पानी में सोक कर दिया था, ठीक है, भिगो दिया था। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें अंडे, 3 अदद मैं यूज़ करूँगा अंडे। उसके बाद हम वेजिटेबल में हमें चाहिए जनाब हरा धनिया, हरी मिर्च, टमाटर, अदरक, प्याज, ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे स्पाइसेस, और स्पाइसेस में हमने क्या क्या यूज़ करना है इसमें तमाम चीज़ें हैं। हल्दी पाउडर है, ठीक है, ज़ीरा है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला, और हम यूज़ करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक, ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। और आज की रेसिपी में हम इसमें फ़्लेवर देंगे चिकन का, और चिकन तो आपको नज़र नहीं आ रही है लेकिन चिकन का फ़्लेवर हम देंगे। मेरे पास मौजूद है चिकन क्यूब, ठीक है, आप देख रहे हैं चिकन सूप क्यूब मौजूद है सैक का। इससे हम क्या करेंगे, क्यूब हम डालेंगे अपनी दाल में और चिकन का फ्लेवर जो है आपको आएगा, मज़ा आएगा आपको। और इसी तरह कोई भी आप सब्ज़ी बना रहे हैं, लाइक आलू मटर बना रहे हैं, आप कह लें फूल गोभी आलू बना रहे हैं, वॉट एवर कोई भी, तो उसमें आप चिकन का जायका दे सकते हैं चिकन क्यूब के साथ या फिर चिकन पाउडर के साथ। तो सैक की ये दोनों प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और उसके अलावा सारी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, चाहे वो इनके एसेंस हों, चाहे वो इनके कलर्स हों, हर जो आप कह रहे प्रोडक्ट है वो बहुत ही बेहतरीन है। और उसके साथ साथ जनाब, अगर हम बात करें कुकिंग एसेसरीज़ लाइक जिसके आप कह रहे कि बहुत इम्पॉर्टेंट है किचन में, जूसर ब्लेंडर ग्राइंडर है, उसके अलावा हैंड ब्लेंडर है, ठीक है, ओवन टोस्टर है, उसके बाद सैंडविच मेकर है, और एयर फ्रायर जो कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग कन्वर्ट हो रहे हैं एयर फ्रायर में। इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें कोई भी चीज़ आप फ्राई करते हैं तो बग़ैर ऑयल के फ्राई हो जाती है। एयर फ्रायर बेहतरीन है उन लोगों के लिए जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, और वैसे भी हेल्दी खाना आपको खाना है तो आप एयर फ्रायर में चीज़ों को फ्राई कर सकते हैं। उसके बाद रोज़ाना की तरह आज भी जो हमारी कुकिंग होगी वो होगी क्लासिक के पैंस में, और क्लासिक के पैंस में बहुत सारी वैरायटी है, हर तरह के पैंस आपको मिल जाएंगे। ये जो आप पैंस देख रहे हैं ये हेल्थ सीरीज़ है इनकी, आप कह रहे हैं कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बेस्ट हैं। उसके अलावा ये जो इनकी सीरीज़ है ये मार्बल सीरीज़ कहलाती है, इसमें अंदर और बाहर से दोनों टेक्सचर एक ही है, ठीक है, और बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हैं, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी आपको मिल जाएंगी अगर आप इनकी वेबसाइट पर विज़िट कर लेंगे। और उसके साथ साथ सैक का भी मैं आपको बता दूं कि इनकी भी वेबसाइट पे आप जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, और जी इनकी ऑनलाइन जो वेबसाइट है उसका लिंक नीचे आ रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे, तो वहाँ जाके आप अपनी जो भी डिमांड है आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है यहाँ पर मैं ले रहा हूँ जो क्लासिक का हेल्थ सीरीज़ का पैन है ये मैं ले रहा हूँ, ठीक है, और इसमें हम दाल को बॉयल होने के लिए रखेंगे। चलिए पानी, और इसमें माश की दाल, अच्छा आप सब जानते हैं कि जब माश की दाल को हम बॉयल करते हैं
तो क्या होता है कि उसके ऊपर झाग आती है, ठीक है, वो झाग हमने हटाते रहना है और इसी तरह सारी की सारी माश की दाल जो है वो हम डन करेंगे। चलिए, ये हमने माश की दाल जो पहले से भिगो के रखी हुई थी वो हमने इसमें ऐड कर दी। बस अब इसको हम प्याले को इधर ही रखेंगे क्योंकि इस पर हमने जो झाग आएगी उसको हमने हटाते रहना है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो हमने दाल का वो रख लिया है उसको बॉयल होने के लिए, फ्लेम को मैंने नॉर्मल कर दिया है, ठीक है जी। तो उसके बाद अब हम आएंगे अपनी चॉपिंग की जाने और साथ ही इसका मसाला तैयार करेंगे। अच्छा, चॉपिंग के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई भी रिक्वेस्ट हो तो आप ज़रूर बताइएगा। जो है कोई ऐसी रिक्वेस्ट या कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ ना आ रही हो तो वो भी आप ज़रूर हमें बताइएगा ताकि वो हम पूरा कर सकें। यहाँ पर प्याज जो है उसको हम चॉप कर लेंगे। अच्छा, इस वीक में हमें रॉ की खीर की रिक्वेस्ट भी आई थी तो इंशाल्लाह रॉ की खीर जो है ना वो हम नेक्स्ट वीक में बनाएंगे आप लोगों के साथ, और नेक्स्ट वीक में आप ज़रूर देखिएगा। और बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट जो आप लोग ने इस वीक में की हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपके लिए ज़रूर पूरी होंगी, ठीक है। और आज भी अगर आप कोई रिक्वेस्ट है तो ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा, प्याज हमने चॉप करना है और बिल्कुल फाइन, ठीक है, बिल्कुल बारीक चॉप करेंगे। चलिए, ये आज प्याज हमने चॉप कर लिया है और आंखें बंद करके, क्योंकि कल बहुत आंसू आए थे तो आज जो है इसको मैंने आंखें बंद करके ज़रा चॉप कर लिया। अच्छा, फाइन, हमने प्याज चॉप कर लिया। उसके बाद अब आ जाएंगे हम टमाटर की जाने। टमाटर को भी मैं थोड़ा सा फाइन चॉप कर लूँगा, ठीक है, इसके ये एज उतार देंगे। और अब इसको फाइन चॉप करने से ये होता है कि आपका टमाटर जो है ज़रा जल्दी डन हो जाएगा, मसाले में गल जल्दी जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी टमाटर की अगर हम प्यूरी बना के डालें तो देखिए टमाटर की प्यूरी बहुत सारी चीज़ों में डलती है लेकिन उसका फ्लेवर आपके मसाले में या सालन में डिफरेंट आता है। साबुत टमाटर का जब हम डालते हैं तो उसका फ्लेवर डिफरेंट आता है। तो बहुत सारी चीज़ों में जब फ्लेवर हमें चाहिए होता है तो उसमें आपको बताया जाता है कि जी आप इसमें प्यूरी यूज़ कर लें, लेकिन सब रेसिपीज़ में आप प्यूरी का इस्तेमाल नहीं करते, स्पेशली दाल वगैरह में। और मखनी दाल जब हम बनाते हैं तो उसमें हम टमाटर पेस्ट यूज़ करते हैं, उसका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट क्योंकि उसमें क्रीम के साथ बनाया जाता है। तो हर चीज़ का डिफरेंट पैटर्न है, डिफरेंट आप कह लें कि चीज़ें यूज़ की जाती हैं। इसको हमने चॉप कर लिया है और हरी मिर्च जो है उसकी आज हम बनाएंगे पेस्ट। इसमें रेसिपी में हरी मिर्च को हमने पेस्ट बना के यूज़ करना है। चलिए, ये हमारे पास टमाटर डन हो गए, प्याज डन हो गया और अब मैं ले लेता हूँ ये छोटा स्पाइस ग्राइंडर और इसमें हम हरी मिर्च जो है उसको पीस लेंगे। तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्च को हम पीस लेंगे और बाकी हम कुछ दाल में साबुत डालेंगे। चलिए, ये हमारे पास हरी मिर्च डन हो गई। एनएक्स का स्पाइस ग्राइंडर झटपट
फटाफट से काम करता है। हल्का सा मैं इसमें ऐड करूंगा पानी, बहुत थोड़ा सा, जस्ट इतना कि ब्लेड हमारा ज़रा सा चल जाए, ठीक है। ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम भी है तो हम क्या करेंगे, एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ हरी मिर्च को पीस रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, बाकी तमाम काम आपके सामने आपके साथ मिलके करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं। और ये हमने माश की दाल के ऊपर आप देख रहे हैं ये झाग आ रही है, ये हम हटा रहे हैं, ठीक है। ये हटा लेना चाहिए क्योंकि इसका जो वादीपन है वो सारा इसमें निकल जाएगा, ठीक। तो ये ज़रूर हटा दें, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम बनाएंगे वो बच्चे बच्चियाँ, तो इसको आपने ज़रूर हटा लेना है। और हमारे साथ कराची से कॉलर थी और आपने रिक्वेस्ट की है पिज़्ज़ा की, तो इंशाल्लाह पिज़्ज़ा आपको ज़रूर सिखा देंगे, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक में आपको सिखा दें, ठीक है। तो बस अब हमारे पास दाल तो रेडी हो रही है, और दाल के साथ ही अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर जो है, अब मैं सोच रहा हूँ कि हम किस में बनाएँ, कढ़ाई में बनाएँ या चलें इसमें हम पैन बनाते हैं, पैन में इसका मसाला तैयार करते हैं, और क्लासिक का मार्बल इफ़ेक्ट में पैन ले लिया है, और उसके साथ साथ जनाब चलें हॉब हमने ऑन कर लिया है, और हॉब आप जानते हैं हॉब हो गया, उसके अलावा अवन हो गया, या फिर हमारे पास जो हमारे पास माइक्रोवेव है, ये सब हमारे पास फोटाइल का है। इवन ये जो किचन हमें प्रोवाइड किया है फोटाइल ने किया हुआ है, और फोटाइल के बारे में आप लोग सब जानते हैं कि बेहतरीन क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हैं, और बेकिंग के हवाले से तो बहुत ही ज़बरदस्त आप कह लें कि रिज़ल्ट आता है इनका जो अवन है। और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट नई सीरीज़ भी आई हुई हैं, ठीक है। और अक्सर आपने देखा होगा कि मेरे जो YouTube चैनल पे मैं जो किचन यूज़ कर रहा हूँ वो भी फोटाइल का है, और उसमें जो मेरे पास अवन रखा हुआ है वो है टच स्क्रीन है, ओ सीरीज़ कहलाता है, उसके ऊपर कोई बटन नहीं होते, और सिंपल आप जब उसको टच करते हैं तो उसके ऊपर मार्क आ जाता है राउंड, और उसके साथ फंक्शन आ जाते हैं। तो बहरहाल जी, इससे इस फोटाइल के भी आप वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने इसमें ले लिया है ऑयल तकरीबन हाफ कप के करीब, हाफ कप ऑयल के साथ मैं सबसे पहले इसमें डाल दूँगा प्याज। और फोटाइल के हॉब में सबसे अच्छी बात क्या है कि ये आपकी गैस कंजम्पशन को कम करता है, ठीक है। और इसके जो फ्लेम है वो बड़ा तेज़ है, और बहुत आप कह लें कि क्विक आपके खानों को डन करता है। प्याज को हमने फ्राई होने के लिए रख दिया है, हल्का सा गोल्डन फ्राई होगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने तमाम बाकी की चीज़ें। चलिए, ये हमारे पास टमाटर हमने चॉप कर लिया। अच्छा, अब हरी मिर्च का पेस्ट भी हमने बना के रख लिया था, और इसको भी मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। क्लासिक के पैन में हम बना रहे हैं दाल, और उसके साथ हमें चाहिए 2 अदद हरी मिर्चें, इसको भी मैं, जब तक प्याज हमारे पास फ्राई हो रहा है इसको भी काट लेते हैं। और हमारे साथ कॉलर भी हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही है? मैं गुलशन अकबर से बोल रही हूँ, नुसरत अंसारी जी। क्या कहना चाहेंगी? ये हमें बेक के बारे में, हम 3-4 चम्मच केक बना चुके हैं बेटा, मगर वो सब बन जाता है, हमें आप बताएंगे इसके बारे में। किसके बारे में? मुझे समझ नहीं।
ओवन में भी। हेलो जी, मुझे ज़रा सुन के बताइएगा, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप होल्ड पे रहिए, आप अपनी बात इनको बताइएगा। अच्छा मुझे आवाज़ इनकी क्लियर नहीं आ रही, ज़रा पूछ के बता दें किस चीज़ के बारे में पूछ रही हैं, तो मैं फिर इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। अच्छा जी, साथ साथ माश की दाल बॉयल हो रही है और ये हम इसकी झाग उतारते जाएंगे यहाँ तक के दाल जो है वो हमारे पास अच्छे से गल ना जाए। और दाल को भी हम ज़रा चेक कर लेते हैं, अभी कसर है, इसको मज़ीद होने देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब प्याज में मैं शामिल करूँगा थोड़ी सी चॉप की हुई अदरक, और बाकी हम उसके ऊपर भी डालेंगे अदरक, ठीक है। ठीक है, अच्छा आपने पूछा आप केक बनाते हैं तो वो सही बेक नहीं होता, अब वो आप चले गए, नहीं तो मैं आपसे पूछता कि गैस ओवन में बना रहे हैं ये किसने और क्या रेशो है, ठीक है। मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं कपकेक्स की, उनमें से कोई भी एक रेसिपी बनाइए, ट्राई कीजिए और इंशाल्लाह परफेक्ट बनेगी। अगर केक फूल नहीं रहा या कोई और मसला है टेम्परेचर का, तो वो हो सकता है फिर आपके ओवन में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। लेकिन ये आप किसी दिन कॉल कीजिएगा, फिर मैं आपसे तफसील से पूछ के फिर आपको आंसर दूंगा। आज आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही थी, ठीक है। अब ये अदरक शामिल कर दिया है, और अदरक के साथ ही अब मैं डाल रहा हूँ टमाटर, क्योंकि प्याज हमारे पास ब्राउन हो रहे हैं। अच्छा जी, मैं क्या करता हूँ, ये ज़रा पैंस को शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको हम दिखा सकें। ये देख, अब आपको मसाला नज़र आएगा। ठीक है, प्याज हमने गोल्डन ब्राउन किए, उसके बाद टमाटर मैंने शामिल कर दिए हैं, अदरक शामिल कर दी है, और अब इसको हमने पकाना है साथ में स्पाइसेस डाल के। अच्छा जी, स्पाइसेस में सबसे पहले मैं शामिल कर रहा हूँ इसमें साबुत ज़ीरा, आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, ज़रा साबुत अच्छा लगता है। साबुत ज़ीरे के साथ एक चाय की चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर एक खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर, और उसके बाद पिसी हुई लाल मिर्च, और साथ ही आपके लिए क्वांटिटी कितनी कितनी मैं यूज़ कर रहा हूँ आपके लिए स्क्रीन पर शो हो रहा है, सब लिख लीजिए, ठीक है। और अब मैं डाल रहा हूँ इसमें नमक, तमाम स्पाइसेस हमने डाल दी हैं, हल्का सा पानी ऐड करूँगा और इसको भूनेंगे। ताकि अच्छे से हमारा मसाला भुन जाए, और अब टमाटर को मैश करते जाइए। ये देखिए टमाटर हमारे पास मैश हो रहे हैं, छोटे काटे थे इसलिए कि हमारे जो मसाला है वो परफेक्ट तैयार हो और काम जल्दी हो जाए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से मसाला हमारे पास हो रहा है तैयार। अच्छा, अब बारी है इसमें हमने चिकन का फ्लेवर देना है, और चिकन का फ्लेवर हम देंगे यहाँ पर हमारे पास मौजूद है सैक की चिकन क्यूब, ठीक है। और इस चिकन क्यूब का एक हम पैकेट लेंगे, और इस एक पैकेट में दो चिकन क्यूब्स हैं, ठीक है। और इसको हम एक चिकन क्यूब जो है वो मैं खोल के इसमें शामिल कर दें, ठीक है। देख रहे हैं आप, पैकिंग बहुत ज़बरदस्त स्टैंडर्ड पैकिंग है, और अब इसको आपने अपनी दाल में डाल देना है। एक चिकन क्यूब से आपको मिलेगा इसमें चिकन का फ्लेवर। साथ ही हरी मिर्च का पेस्ट,
और मसाला हमारे पास तैयार। ठीक है, आप देख रहे हैं ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, इट्स मीन कि ये इंडिकेशन है कि आपका मसाला जो है अच्छे से भुन चुका है। और अब जो है हमारे पास दाल भी रेडी है, इसको हम डालेंगे अपने मसाले में। चलिए इसमें नहीं, सारा अच्छे से साफ कर दिया। और अब इसको हमने पकने देना है। अच्छा, इस स्टेज पे आपने नमक वगैरह चेक कर लेना है, अगर कोई चीज़ आपको महसूस हो कि कम है तो हम ताकि इसमें और ऐड कर सकें। बिल्कुल परफेक्ट है, नमक थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, लेकिन नमक ऐसी चीज़ है कि आप बाद में भी डाल सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से डालिएगा। ठीक है, बस अब इसको हमने पकने देना है। दाल हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट गल चुकी है, और इसको थोड़ा सा पकाने के बाद मैं इसको शिफ्ट करूंगा फ्राई पैन में। अच्छा, ये बेसिकली ऐसी चीज़ में आपने इसको सर्व करना है, लाइक जब हम इसमें अंडे डालेंगे तो वो बिल्कुल इसके ऊपर की जो लेयर है वो अंडों की होगी। ठीक है, तो इसलिए अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं पैन में शिफ्ट करूँगा ताकि जब हम इसमें अंडे रखें तो आपको बिल्कुल परफेक्ट इसका रिज़ल्ट नज़र आए। ब्रेक है हमारे पास, चलिए जी हमारे पास ब्रेक है, ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो इसका फाइनल टच देंगे। अंडे किस तरह से डालेंगे, क्या फ्राई करके डालेंगे या फिर कैसे डालेंगे, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और दाल हमारे पास तैयार हो रही है। और ये आप देख रहे हैं कि हमने इसमें ब्रेक पर जाने से पहले पानी नहीं डाला था, दाल में ही जो पानी था वो हमने इसके साथ थोड़ा सा डाल दिया था, और अब ये हमारे पास दाल बिल्कुल तैयार है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूँगा, अब बल्कि मैं फ्लेम इधर ही रखता हूँ, इसी फ्लेम पर, और अब मैं फ्लेम को आप देख रहे हैं बिल्कुल स्लो कर रहा हूँ, स्लो कर दिया है, और मैं इसको फ्राई पैन में दाल को शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, दाल को हमने शिफ्ट कर दिया है फ्राई पैन। अच्छे से मिक्स कीजिए। चल, ये हमने दाल को शिफ्ट कर दिया, और अब इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च मैं डाल रहा हूँ, और उसके बाद हरा धनिया हम बाद में डालेंगे। अच्छा, अब बारी है इसमें अंडे डालने की। ठीक है, तो सिंपल, जब आपकी दाल बिल्कुल परफेक्ट आप देखेंगे गल गई है, जायका इसमें परफेक्ट आ गया है, अब आपने इसमें डालने हैं अंडे, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इस तरह से आपने इसको अंडा डाल देना है। आप तीन डालें, चार डालें, छह डालें, वो आपकी चॉइस है, और ये फैसलाबाद में जब मैंने खाई थी तो मुझे बहुत मज़ा आया था, गरम गरम तंदूरी रोटी के साथ। ये वहाँ की एक
स्पेशलिटी थी जो हम स्पेशल खाने गए थे, और वाकई जब खाया ही वहाँ तो बहुत मज़ा आया, डिफरेंट है। और बस अब आपने इसको कुछ नहीं करना, छेड़ना छाड़ना नहीं है। और इसका मैं कवर देखता हूँ कि हमारे पास इसका कवर कहाँ है। चलिए, ये हमने इसको कवर लगा दिया, बस अब इसको हमने इतना पकाना है कि हमारे जो अंडे हैं वो बिल्कुल ऊपर फ्राई हो जाएंगे, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगी दाल तैयार। और अब इसके ऊपर के लिए हम थोड़ी सी गार्निशिंग तैयार कर लेंगे। और गार्निशिंग के लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करेंगे, थोड़ी सी मैं अदरक ले रहा हूँ, बिल्कुल फाइन स्लाइस कर लेंगे, ठीक है, ये हमने फाइन चॉप कर ली। और साथ ही मैं लूंगा इसमें हरा धनिया, चलो ये हमने इसकी गार्निशिंग रेडी कर ली है, ठीक है। और अब बस हम इंतज़ार करेंगे अपनी दाल का कि वो रेडी हो जाए, फिर आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। चलो, और साथ साथ अपनी हैबिट बनाइए कि साथ साथ जो है ना अपना काउंटर क्लीन करते जाइए, अपना स्टेशन क्लीन करते जाइए, क्योंकि बाद में जो है कह लें कि आप बड़ा मैसी हो जाता है। और साथ साथ करते जाएंगे तो आप भी रिलैक्स रहेंगे, साफ साफ काम करने में भी बड़ा मज़ा आता है। चलिए, यहाँ पे इसको हम सर्व करेंगे। अच्छा, अब इसको आप लाइक तंदूर की रोटी के साथ, पराठे के साथ, या फिर आप चाहें तो इसको किसी भी लाइक चपाती के साथ भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो इसका मज़ा आता है वो तंदूरी रोटी के साथ आता है। तो इसको तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें। और अब आप देख रहे होंगे अंडे जो है वो हमारे ऊपर से पक रहे हैं और वाइट होना शुरू हो गए हैं, फ्राई होना शुरू हो गए हैं, और आपको बखूबी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से इसकी ये अपेयरेंस रहेगी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से हम एक रेसिपी है शक्शुका, जो स्पेशली पर्शियन रेसिपी है, और उसको नाश्ते में बनाया जाता है, और वो भी तकरीबन इसी तरह की होती है। लाइक उसमें प्याज और टमाटर का मसाला बनाया जाता है और उसके बाद फिर अंडों को उसके ऊपर रखा जाता है। तो ये दाल जो है ये आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, ठीक है। अब वो आपकी चॉइस है कि आप इसको किस तरह से और किस मील में इसको लेना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास टाइम कितना है जी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बता चलूँ कि बहुत सारे मैसेजेस आए थे और आप लोग ने पूछा है कि जी प्लीज़ अपना YouTube चैनल बता दीजिए। बहुत सिंपल, YouTube मेरे चैनल का जो आप कह रहे हैं कि नाम भी है, आप वैसे तो आप शेफ़ असद YouTube चैनल लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा, Google पे या Yahoo पे आप लिख लीजिए, ठीक है। अदरवाइज़ चैनल का जो नाम है वो है लेट्स कुक विद शेफ असद, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, अच्छा जी थोड़ा सा हमारे पास नेट स्लो है इस वक्त, और हमारे पास दाल भी रेडी हो रही है, ठीक है। दाल हमारे पास ऑलमोस्ट डन है, और इसको भी मैं ज़रा सा चेक कर लूँ, ये हमारे पास बेहतरीन सी, इस तरह से अंडे हमारे पास बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ठीक है। अब आप चाहें
कि इसको पूरे को कवर करना है तो मैंने 3 अंडे डाले हैं, आप इसमें तकरीबन 5-6 अंडे भी डाल सकते हैं, ठीक है। और इसको सर्विंग क्या है, जब आप इसको इंडिविजुअल सर्व करते हैं तो इस तरह से ये अंडा उठा के दाल के साथ सर्व किया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए बेहतरीन सा हमारे पास अंडा परफेक्ट तैयार है, और जब आप इसको तोड़ेंगे तो जर्दी भी बाहर आएगी। चलिए अब इसको मैं फ्लेम को ऑफ कर रहा हूँ, थोड़ी सी गार्निशिंग, थोड़ी सी अदरक, और हल्की सी हरी मिर्च, चलिए अब आप इसकी लुक देख रहे हैं और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको आज की ये डिफरेंट सी रेसिपी कैसी लगी, और इंशाल्लाह ताला इसी तरह की और मज़ीद रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। इसको हमने फ्राई पैन में ही सर्व कर दिया है, एक मैं इंडिविजुअली दिखाऊं प्लेट में, चलिए तो एक हम प्लेट में भी निकाल के दिखा देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। इसको हम एक को पहले मैं दाल निकाल रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से हमने दाल सर्व की, और अब ये अंडा जो है इसके ऊपर सर्व कर, ये और इसको भी थोड़ा सा हम गार्निश कर देते हैं हरी मिर्च के साथ, थोड़ा सा अदरक डाल देते हैं, हरा धनिया। चलिए जी ये देखिए हमारे पास सिंगल सर्विंग में भी हमने इसको सर्व कर दिया है, और उसके अलावा फैमिली सर्विंग में भी हमने सर्व कर दिया। अब आप चाहें तो इसको बनने के बाद किसी भी शीशे की डिश में, प्लेट में, किसी में भी आप सर्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको इसी में रहने दूँ या डिश में करूँ? डिश में कर दूँ, शीशे की डिश में चले जी, शीशे की डिश में हम कर जी। हाँ मुझे कहा जा रहा है इसको थैली में डाल के पैक कर। चलें पार्सल का इंतज़ाम नहीं है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल जी हमने सर्व कर दिया। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और अभी तो आप इंजॉय कीजिए स्क्रीन पर, उसके बाद इसको बनाइए और आज ही बनाइए। आई गेस माश की दाल तो सब के घरों में अवेलेबल होगी, तो बहुत डिफरेंट सी मज़ेदार सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज हमारा नेट हमारे साथ नहीं दे रहा, तो चलिए लेट्स कुक विद शेफ अज़ल जो है वो मेरा YouTube चैनल है, वहाँ पे आप जाके रेसिपीज़ देख सकते हैं। इसके अलावा लज्जत में दस्तक के पेज पे आके आप कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे आके शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ अपना आपने बहुत ख्याल रखना है, वीकेंड को एंजॉय करना है, और मुझे मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।